अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुराब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने लैपटॉप या पीसी पर कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और इधर आपने गेट इन टू पीसी सर्च करना है और इधर से आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है और इधर आपने सर्च करना है मिरर गो और गो पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इधर डाउनलोड फुल सेटअप पर क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इधर से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरह एक फाइल आ जाएगी जिसमें ये आपके पास आइकॉन होगा। अगर आपके पास ये आइकॉन नहीं आ रहा, इसका मतलब आपके पास विनार इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले आपने विनार को इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इधर राइट क्लिक करना है और एग्जैक्ट हर पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा, तो इसको आपने ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इधर डबल क्लिक करके सेटअप को ओपन कर लेना है और इधर आपने ओके करना है और इधर से आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोबारा नेक्स्ट करेंगे और इधर से अनचेक इसको कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देंगे और इधर से हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इधर से हम इसको लॉन्च को अनचेक कर देंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने इस करेक्ट फोल्डर को ओपन करना है और इस फाइल को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपके पास डेस्कटॉप पर यह फाइल आ चुकी होगी, वंडरशेयर मिरर गो होगी। तो इस पर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है और इधर आपने कंट्रोल वी से उस फाइल को पेस्ट कर देना है और इधर रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पर क्लिक कर देना है। तो ये अब आपके पास वंडरशेयर मिरर गो क्रैक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने अपने मोबाइल फोन में आ जाना है और इधर से आपने सेटिंग्स में जाना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करके एंड पर आ जाना है और इधर से अबाउट फोन को आपने ओपन करना है और इधर से आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके पास इधर बिल्ड नंबर आ जाएगा। इसको आपने 3 बार कंटिन्यूसली क्लिक करना है और इसके बाद बैक करना है और इसके बाद आपके पास फ्रेंड्स इधर डेवलपर ऑप्शन विजिबल होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और इधर से आपने यूएसबी डिबगिंग को चेक कर लेना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इधर आपने सर्च करना है मिरर गो और इधर से ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इधर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपने वंडरशेयर मिरर गो को ओपन करना है और इधर से आप यूएसबी के जरिए भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई के भी जरिए। अगर आपने वाईफाई के जरिए इसको कनेक्ट करना है तो आपने अपने लैपटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन को एक ही वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो इधर आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन का नेम आ जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक करके सिंपली इस पे कनेक्ट हो जाना है और यूएसबी में कनेक्ट करने के लिए आपने यूएसबी पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यूएसबी केबल अपने लैपटॉप के साथ और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लगा लेनी है और फ्रेंड्स, आपने मोबाइल फ़ोन को अपने अनलॉक रखना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हम इधर सक्सेसफुली इंटर हो चुके हैं और अब हम इधर से अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।